औरतें नाशुक्री करती हैं, हमारे घर में बच्चे हैं वो भी कह देते हैं आप बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करते, मुझसे प्यार ही नहीं करते, नाशुक्री करता है। कभी ये कह देते आप लड़कों से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लड़कियाँ हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, ये नाशुक्री है। कभी आपने देखा कि वालदैन बच्चों के इन अल्फाज पर उनको गालियाँ देने लगे या उनको मारने लगे? इस तरह कोई नहीं करता। माँ रोने लग जाएगी, अब्बू परेशान होंगे, बेटे आप ये कैसे कहते हो कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? उसको प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और औलाद के दिल पर ऐसा असर पड़ेगा, ये औलाद सारी ज़िंदगी अपने वालदैन के चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं देख सकते जिससे वालदैन को दुख पहुँचे। आप भी ऐसी करें, आपकी अहल आपकी बीवी कमज़ोर है, ना शुक्री करती है तो प्यार से समझा के देखो, सारी ज़िंदगी दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अगर आप इस तरह से करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, घर में सुकून होगा, रात होगी। लेकिन अगर बीवी के नाराज़ होने पर, नाशुक्री करने पर आप उसे मारने लग जाएं, तुझे आज समझा देता हूँ, तू रोज़ नाराज़ हो जाती है, मारें, जूते मारें, गालियाँ दें, अब दिलों में तफरीक पड़ जाएगी, एक से दूरियाँ होती जाएंगी, ये मोहब्बतें नफरत में तब्दील हो जाएंगी, ये बात बढ़ते 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 आप उस मुकाम पर पहुँचेंगे, नौबत तलाक तक आ जाएगी। तलाक देकर वो अपने घर में रोएगी, तू अपने घर में रोएगा, सुकून किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ये उस वक्त हुआ जब आपने मोहब्बत का दामन छोड़ा, प्यार का दामन छोड़ा। खुदा की कसम ये सारे मिसाल मोहब्बत से हल हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करना तो सीखें। ऐ मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, अगर ये बात और इसको तूल दिया गया, खुदा की कसम खुदकुशी तक भी मोनोबत पहुंच जाती है। जब औरत इतनी तंग हो जाए अपनी ज़िंदगी पर, मौत को तरजीह दे तो खुदकुशी कर लेगी, या तू इतना बीवी से तंग हो जाए कि अपनी मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दे तो तू खुदकुशी कर लेगा। अब दुनिया भी बर्बाद हुई, कब्र भी बर्बाद हुई, आखिरत भी बर्बाद हुई, और क्यों हुई? आपने मोहब्बत करना ना सीखी, हक अदा करना ना सीखा, जो उसके हकूक थे उसको देना पसंद ना किया, ये नफरतें इस इंतहा तक पहुँच गई। وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ